हमारे YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद, मैं हीना मंसूरी, स्वागत है आपका CNCCTV News में। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की बुधवार को जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। उपद्रवियों ने जिस भी मकान और दुकान को आग के हवाले किया उसमें इस दौरान लूटपाट भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में फैली हिंसा एक तरफा और सुनियोजित थी। इसमें सबसे अधिक नुकसान मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों और दुकानों को हुआ है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खजूरी खास इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को दिए गए भाषण के बाद ही यहां हिंसा भड़क उठी। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें।